ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत से प्रश्न आते हैं कि गुरुजी वो जो आपकी डायरी है वो दिखाइए जिसमें कि आपने मंत्र लिखे हुए हैं। तो आज मुझे वो डायरी मिल गई है और बड़ी छुपा के रखी हुई थी मैंने, और आज इसका जो पहला मंत्र है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी बरसों की मेहनत है, जो भी मुझे यंत्र मंत्र जो भी सटीक लगता था, जिसके ज्यादातर परिणाम मुझे मिलते थे, वो सारे मैंने इसमें संग्रहित कर रखे हैं। इसमें जितने भी मंत्र हैं वो सारे काम करते हैं, और इसमें वार तिथि नक्षत्र सबका वर्णन है। अगर कोई बच्चा भी इसे पढ़ ले तो वो भी एक विद्वान बन जाए। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। वर्षों की मेहनत है इसमें, इसमें कुछ नियम दे रखे हैं, जैसे काल का जो नियम हो कैसे लिया जाए, जैसे किस समय पर आप कोई मंत्र पढ़ें कोई। तो ये देखिए इसमें श्लोक है, श्लोक में सब कुछ आ जाता है, और इसका अर्थ है दोपहर से पहले वसंत, मध्याह्न में ग्रीष्म, तीसरे पहर को वर्षा। तो देखिए जो भी कर्म हम करते हैं वो उन कर्मों का एक विशेष ऋतु होती है, उस ऋतु में अगर आप वो करते हैं तो जो मंत्र है वो अत्यधिक प्रबल हो जाता है। तीन संध्याओं का जिक्र इसमें कर रखा है। तीन संध्याएं क्या होती है जो मैं आपको बताते रहता हूँ, पहली संध्या, दूसरी संध्या। तो ये इसमें शुद्धिकरण मंत्र है, वो सारा कुछ समझा रखा है। मेडिटेशन का एक ये कुछ है जो अगर पता लग जाए तो जिंदगी बदल जाए। सुबह शाम का महत्व दे रखा है इसमें, बता रखे कि उस समय पर कौन सी शक्तियां होती हैं, क्या होता है। इसके बाद समय दे रखा है किस समय पर हमें षटकर्म करने चाहिए, मारण उच्चारण का समय दे रखा है। तो लयबद्ध तरीके से सब कुछ बता रखा है, और यहाँ पर महामंत्र आ जाता है, महामाई का मंत्र। अब ये मंत्र ऐसा है कि आंख मूंद कर कर दिया जाए तो वहाँ बगला मुखी आपकी रक्षा में तत्पर सदैव तैयार रहेगी। मारण मंत्रों को मैं कम ही बताता हूँ तो ये रहने दीजिए, और बस इतना बहुत है। मोहिनी मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मोहिनी मंत्र देखिए बहुत पहले लिखा था मैंने, काला कुआ 64 वीर, नीला कुआ 3, जहाँ मोहिनी वहाँ को जावे, बस मुझे पूछो कि आवे। ये देखिए उस समय भी मतलब 10-15 साल पहले मैंने ये लिखा था। ऐसा है कि जब कभी आप कोई भी षटकर्म करें,
उसमें ऋतु काल ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक अग्नि का जो दिया है वो आपके पास प्रज्वलित होना चाहिए, ये साक्षी होता है आपकी साधना का। सबसे पहले हाथ इस पर रखिए, इसकी लौ पर, और शक्ति को महसूस कीजिए और इसके बाद अपनी साधना प्रारंभ करें। तो इसमें सारा कुछ बता रखा है, बहुत पुरानी डायरी है मेरी, इसमें मैं सब कुछ लिखता था। और इसमें कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो कि अगर किसी दुष्ट के हाथ लग जाए तो वो तबाही बचा सकते हैं। तो देखिए, अभी फ़ोन मत कीजिए, लेकिन अब मैं इनको कैसे बताऊं कि अभी फ़ोन ना करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप किया कीजिए रात में, तो ये बेहतर होगा। अगर मोहिनी मंत्र के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप searchtops.com पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बहुत बड़ा संग्रह बना रखा है और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है। जितने भी मंत्र काम करते हैं मैं उनका संग्रह बनाता रहता हूँ, और आपको जो है एक से बढ़कर एक मंत्र मैं देने की कोशिश करता रहता हूँ, और ये संग्रह और भी बड़ा होता रहेगा। आप जो भी आप साधनाएं करें उसमें जिस तरह का भी आपको फल मिले उसके बारे में मुझे अवश्य व्हाट्सएप पर बताएं, ताकि मैं और बेहतर इस साइट को बना सकूं। और जो मेरा उद्देश्य है इस साइट को बनाने का, वो ये है कि इसमें आपको वो सब मिले जो कि आप सीखना चाहते हैं। जो हमारा स्वर्णिम भारत था, मैं चाहता हूं कि वो सारा ज्ञान मैं यहां पर आपको दे सकूं। तो किसी के भी पास कोई भी ऐसा मंत्र हो जो कि बहुत जल्दी असर करता हो, किसी का भला कर सकता हो, तो वो अवश्य मुझे भेजें, उनको मैं अपने दर्शकों को अवश्य दूंगा। और किसी भी प्रकार की, जैसे कोई जो इसका दुरुपयोग करेगा उसको ये मंत्र नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले जो है शिष्य की परीक्षा ली जाती है, यदि वो उसमें उत्तीर्ण होता है उसके बाद ही हम उसे मंत्र देते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आपको वो प्राचीन विद्या, वो विद्या आपको सिखा सकें जिसमें कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पलक झपकते ही किसी को भी अपने वश में कर लेते थे, कुछ भी जान लेते थे। तो वो सारा कुछ जो है वो आपको इस साइट पर मिलेगा, searchtops.com, यहाँ पर जाइए और आपको वो सब मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं। आत्म से आपका साक्षात्कार ये साइट करा सकती है। इसमें कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो कि अनूठी हैं, जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। और किसी भी जानकारी के लिए आप सिर्फ यहाँ पर टैप कीजिएगा तो ये सीधा मैसेज मेरे पास आता है। यहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिए, जो भी आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इसका 24 घंटे में हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर इसी साइट पर आपको फॉर्म मिल जाएंगे, उसमें आप डिटेल में अपनी जो भी दुविधा है वो भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपका जीवन जो है वो कुशल मंगल होगा, और माँ भगवती की कृपा।